नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस देश के बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही जाने माने तबला वादक पंडित आनंद बादामिकर। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप उनको देख सकते हैं। मैं स्वागत कर रहा हूं पंडित जी, बहुत ही विनम्रता से आपका। नमस्ते और जय जय गुरु बोलते थे हमारे गुरु, इसलिए मैं भी जय गुरु बोलता हूँ। तो पंडित जी, मेरी आदत है कि जब आपके जैसे वरिष्ठ कलाकारों से बात करने का मौका मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि उनको उनके बचपन में ले जाएं और वो जानने की कोशिश करें कि ये संस्कार कहाँ से आए, क्या परिवार में संगीत था, आपका संगीत सफर कैसे शुरू हुआ। देखिए, मेरा जन्म जो हुआ वो 1954 यानी अगस्त 1954, तो मेरे फादर और मदर वो एक्चुअली कर्नाटक से, लेकिन फादर सोलापुर में मराठी मैट्रिक तक उन्होंने सीखा था, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का तब यानी राज्य था, तो मैट्रिकुलेशन उनका सोलापुर में हुआ था, इसलिए उनको बहुत लगता था कि सोलापुर आ जाए। तो एक ऐसे ही व्यक्ति थे रानडे बोल के, उन्होंने एक उनका बिजनेस था टिनोपॉल वगैरह, जब वो इन्वेंट हुआ था, वाइटनिंग एजेंट है वो, ऑप्टिकल ब्राइटनर टेक्सटाइल में यूज होता है, तो उसके लिए वो ये सोलापुर आ गए 1946 में। और एक हम उसको चाल बोलते, यानी चौल, जो छोटे छोटे घर, एक 13-14 घर थे और कॉमन बाथरूम संडास था, बाथरूम तो थे हर एक घर में लेकिन टॉयलेट जो था वो सब यानी कॉमन था, तो ऐसी वो जगह थी। लेकिन कर्म धर्म संयोग बोलते हैं ना, तो राभी सोमण उनका नाम, रामकृष्ण भिकाजी सोमण, वो फुल टाइम म्यूजिक यानी शिक्षक थे, टीचर हमारे स्कूल में, और हम टोटल 8 लोग, यानी मैं सबसे छोटा, 5 ब्रदर्स और 3 बहनें, तो उनका फुल टाइम म्यूजिक जॉब था, तो वो स्कूल में टीचिंग भी करते थे यानी संगीत का विषय। और मेरे फादर को संगीत का शौक था, लेकिन शौक था, थोड़ा बहुत गाते थे, थोड़ा बहुत ऐसा भजन वगैरह, तो उनका सामने ही क्लास था। जब हम इवनिंग को राम रक्षा कहना यानी भगवान के सामने बैठ के या कुछ स्टडी करना, तो भीमपला यमन ऐसे वो कान पे राग यानी गिर भी जाते थे, उसके साथ तबला वगैरह सामने ही था वो उनका क्लास। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात आपको यानी जो हम यानी गए जन्म की बात भी होती है ना, तो मेरे फादर के एक मित्र थे, वो यानी कहते थे कि वो ये सब यानी गए जन्म की देन है इस लड़के को, क्योंकि मैं 4 साल का था तब मैं घर में थोड़ा सा वो यानी डिब्बा बजाना या वो टेबल पे बजाना, और मेरी माँ जी के संस्कार ऐसे हैं कि वो यानी कर्नाटक से यानी कोप्पल बोल के गाँव है वहां की जी, वो जब 13 साल की थी तब उनका उनकी शादी हुई थी, और उनको कम से कम 10 बच्चे हो गए, उसमें से 8 हम जीवन बिता रहे, और 2 उस जमाने में वो चले यानी चले गए, छोटे थे तब। उस जमाने में लेडीज जो थे वो सब भगवान की आरती कहना, थोड़ा बहुत भजन करना, ये करना, और जो अपने जो त्योहार होते हैं ना, सब श्रावण महीने के त्योहार, तब वो शुक्रवार के दिन पूजा करना महालक्ष्मी की जी। उस टाइम पे हमारे मेरे कान पे भाग्यद लक्ष्मी बारम्मा नम्मम्मा नी सौ भाग्यद लक्ष्मी, ये कान पे गिरा हमारे, वो यानी मेरी माँ जी आरती भी कहते थी, बहुत सारे आरती है, 7-8 आरती, वो सब भगवान की पूजा यानी करने का। और जब फादर हमारे सोलापुर में रहते थे तब वो भगवान की पूजा भी करते थे, उनका ज्यादा टूरिंग बहुत था डाइज केमिकल मार्केटिंग के लिए, और मैं 4 साल का था तब उन्होंने वो क्लास में डाल दिया सामने कि भाई, तो मुझे लगता है कि ये थोड़े गर्भ संस्कार भी हुए होंगे, माँ जी जब मैंने पूजा करती थी या कुछ, तो
गाती थी वगैरह, उनको कुछ कौन सा ताल है कौन सा राग है मालूम नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा वो एने गाती थी, बहुत ही अच्छा गाती थी शुरू में। तो वो शायद मुझे लगता है गर्भ संस्कार भी हुए होंगे। और हमारे घर में फादर ने बहुत मुझे यानी सपोर्ट किया उसमें। तो मैं जब 8 साल का था तब उन्होंने एक छोटी सी तबले यानी तबले की जोड़ी भी लाई थी, और फादर बोलते थे हमारे पिताजी की ये मेरा लड़का जो यानी डिफिकल्ट ताल रहते हैं ना, जैसे झपताल, उस उम्र में झपताल हो या आड़ा चौताल हो, ये इजीली मैं बजा बजा सकता था। तो ये एक भगवान की देन थी ऐसे मुझे यानी लगता है। और बहुत बच्चे लोग मिलके हम खेलते थे क्योंकि क्लोज थे सब बहुत, यानी पड़ोसी लोग उनके बच्चे क्रिकेट खेलना ये खेलना। तो बाद में जब मुझे यानी दिल्ली रेडियो से यानी भारत का मुझे अवार्ड मिला गोल्ड मेडल, वो कॉन्टेस्ट होती है ना रेडियो की, उसमें यानी 1974 में, तब एक हमारे जो मित्र थे उसी बिल्डिंग में रहने बाजू में रहने वाले अरुण गोरे नामक, तो उन्होंने कहा कि आनंद इतने हम सब बच्चे लोग खेलते थे, आप भी खेलते थे, सब लोग खेलते थे हम लोग, लेकिन ये संगीत का वरदान या तबले का वरदान आपको ही कैसे हो गया, इधर बच्चों के जो थे उनको कुछ इसकी यानी सुझाव नहीं आई। तो एक जो कहते हैं कि वो 99% आपने अगर प्रयत्न किए तो 1% वो भगवान का भी चाहिए नेचर का, तो उससे वो 100% हो ही जाता है। और जब मैं 8 साल का था तब यहाँ पे सोलापुर में एक बहुत बड़े विद्वान यानी कवि हो गए, वो ब्राह्मण समाज के थे, राम शास्त्री बोल के, उनके ऊपर वी शांताराम जी ने पिक्चर भी निकाली थी कविराय राम जोशी बोल के। तो उनके जो वंशज थे, शायद वो 3rd या 4th generation होगी, वो उनका एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करते थे मंदिर में उनके नाम से। तो वहां पे बोर्ड लगा हुआ था, ब्लैक बोर्ड, कि आज ऐसे ऐसे फलाना फलाना पंडित तारानाथ राव और उनके दो शागिर्द सदानंद नायमपल्ली मोहन बड़वल्ली, उनका यानी तबला सोलो वादन यानी जुगलबंदी है। तो मेरे फादर उस दिन मुझे वहां पे लेके गए मंदिर में, और वो 1.25 घंटे की जुगलबंदी सुन के मेरे फादर बहुत मंत्रमुग्ध हुए, और मुझे थोड़ा सा समझ आता था नहीं ऐसे नहीं है। तो प्रोग्राम होने के बाद मेरा सर उनके पांव पे रखा और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को आप सिखा सकेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि ये जो दोनों बच्चे हैं वो 16-17 साल के थे है, और मेरा तो बेटा 8 ही साल का है, लेकिन इतना तैयार वो बजाते हैं और इतना तैयार किया है आपने, तो जरूर आप मेरे यानी बेटे को भी आप सिखा सकोगे, ये मेरी उम्मीद है ने, और आप जरूर उसको जाने से। तो मैं उनके यहाँ जाने लगा सोलापुर से मुंबई ड्यूरिंग ये है दिवाली हॉलीडे हो या मई महीने की यहाँ पे जो स्कूल को हॉलीडे रहती है उसमें भी मैं तब जाता था। देखिए गुरु का काम क्या है कि वो आपको एक रास्ता दिखाता है, तो वो बहुत बहुत प्रेम से सिखाते थे उन्होंने मुझे। अगर आपको दिखा सक मैं अभी मैंने वो दिया, मेरे पास सामने नहीं है, इनलैंड लेटर्स और पोस्टल से, जैसे वो आज हम यानी कहते ना डिस्टेंस लर्निंग बोल के, तो वैसे उस जमाने में उन्होंने मुझे इनलैंड से कुछ बोल भी यानी भेजे थे, वो है मेरे पास, वो सब इनलैंड मैंने लैमिनेशन करके लेके। तो देखो गुरु को कितना ये था उनको कि अपने यानी बच्चा ये सोलापुर में रहता है तो इसको सिखाना चाहिए, और उनको मालूम हो गया कि ये लड़का जो डिफिकल्ट ताल है उसकी मात्राएं और वो बराबर समझ आने सकता है।
वो लय लय का मामला मेरे दिमाग में था ही, और वो भगवान की देन थी, तो वो हो गया। और मैं रियाज मेरा बड़ा अच्छा हुआ शोलापुर में। गुरुजी बंबई में थे, शोलापुर में वैसे ये छोटी सिटी है, टेक्सटाइल का यहाँ पे बहुत यानी मिल्स वगैरह थे, अभी वो सब यानी बंद हो गए। तो भी टुवाल वगैरह सब यहाँ पे बनते हैं, वो सब दिल्ली हरियाणा शोलापुर से ही जाते हैं। तो वो एक लगन लग गई जब मैं 12-15 साल का था, और मैंने सब्जेक्ट भी लिया म्यूजिक का ड्यूरिंग मैट्रिकुलेशन। तो पंडित जसराज उनका गाना मैंने बहुत सुना, बाद में भीमसेन जोशी उनके साथ, जसराज जी के साथ 1970 में मैंने बजाया, उनके साथ तबलिया नहीं उस वक्त आया था। तो एक यहाँ के एक बड़े यानी तबल जी पंडित भीमराव कनकधर बोल के, वो बोले कि अब मैं बजाता नहीं हूँ लेकिन आनंद अच्छा यानी बजा लेता है, तो उसको लीजिए आप। देखो कितने यानी बड़े मन के ये लोग थे, अपने शागिर्द नहीं, मैं तो उनके उनका यानी शागिर्द जैसा हूँ, लेकिन सीखा था ज्यादा यानी आद्य गुरु पंडित तारानाथ राव। तो भीमराव जी ने कहा कि ये बजाएगा, तब से जो शुरुआत हुई वो 1970 से मैंने 2000 तक जो पुणे में सवाई गंधर्व फेस्टिवल होता है उसमें बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ बजाए, और रियाज भी अच्छा होता था, अभी भी करता हूँ मैं, अभी में भी मैं बैठ गया तो इस उम्र में, नाउ आई एम 67, बैठा तो आधे घंटा बैठ जाता हूँ मैं, चाय पानी यूरिनल कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे वो यानी बैठक और बढ़ गई। जैसे शिवजी कहते थे कि जैसे उम्र बढ़ने लगी कि तब मैच्योरिटी आती है ना, तो उससे वो बैठक ज्यादा और पक्की हो गई। तो ये संस्कार, और उस जमाने में रेडियो था ऑल इंडिया रेडियो, उसमें सुबह दोपहर में शाम और रात को क्लासिकल का बड़ा वो यानी सब रिकॉर्डिंग लगाते थे, वो दिन ब दिन कम कम होते गया। बाद में फिल्म संगीत भी बड़ा एक अच्छा काम किया है उन्होंने, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो म्यूजिक कान पे बहुत गिरा ऑल इंडिया रेडियो से, और वो संस्कार हुए। निखिल बैनर्जी है, पंडित रविशंकर है, बाद में शांता प्रसाद जी है तबले में, अहमद जा थिरखवा, ट्रेडिशनल पेशकार आफ्टर दैट, सो द पेशकार ओरिजिनल पेशकार रंग कम्स उस्ताद अहमद जा थिरखवा, ही हैज पेड, बट इन दैट टू दैट ट्रेडिशनल पेशकार वी कैन ब्रिंग समथिंग न्यू दैट केम इन माइंड टुडे जस्ट टू व्हेन आई स्टार्टेड टू प्ले इट केम। तो द पेशकार पेश करना आइन टाइम पे ऑन द स्पॉट यू शुड एबल टू प्ले दैट पेशकार development beat and that if you play like a kaida then there is no any meaning in that. So I have tried with different language what pesh karna, whatever I am going to perform in the solo 1 hour, 1.5 hour, that language and that short pieces you should able to show. So
इसी पे आने वाला था पंडित जी कि आपको ये सौभाग्य मिला कि तारानाथ राव जी से आपने सीखा, और उनका तो इतना नाम था, और जो नाम आपने अभी लिए चाहे वो थिरकवा साहब से लेके और बहुत बड़े बड़े जो तबलिये रहे उस जमाने के, आप लोग जब सीख रहे थे तो कभी कभी गुरु जी आप लोग को किस्से सुनाते थे, चाहे वो अहमद जान थिरकवा का किस्सा हो या फिर शामता प्रसाद जी का किस्सा हो, इस तरह किस्से जरूर सुनाते रहे होंगे कि देखो इनका रियाज, देखो ये इतना करते हैं, ये इतना करते हैं, क्या कुछ याद आता है? आता है ना, याद आता है। और हमारे गुरु जी का शिक्षा की जो पद्धति थी ना वो बहुत अलग थी। वो हारमोनियम लेके लेहरा पकड़ते थे, वो हाथ में तबला नहीं लेते थे। और अपना जो संगीत है या अपना वेदों वगैरह वो जो है सब वो यानी गुरुमुखी विद्या है। देखिए तो गुरु के मुख से वो लहरे में ही बोल बोलते थे, ऐसे ही कहते थे वो। तो ये संस्कार बड़े अच्छे हुए कि वो बोल भी म्यूजिक के साथ ही हमारे कान पे गिर गए। और हम उनको यानी पूछते थे कि घिड़न का कैसा बजाना है, ये बाहे का काम कैसे करना है, ये जो बराबर है क्या, तो उतना ही वो दिखाते थे। लेकिन खुद तबला लेके उन्होंने कभी हमारे सामने बैठे नहीं। ये एक उनकी बहुत अच्छी मुझे खासियत लग रही, क्योंकि मुझे दो तीन जो यानी यंग यानी तबला प्लेयर से उन्होंने पूछा कि हमें ऐसी शिक्षा नहीं मिली लेकिन आपने सीखा कैसे। तो मेरा कहना है कि वो फोनेटिक है ना गुरुमुखी विद्या, तो वो जो कहते थे वैसे बोल तबले में से आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है अपने यानी नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में गुरु जैसा बहुत प्रतिमा गिर जाती है शिष्य के ऊपर। अब वोकल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन दो वोकल में भी सरगम हो या तान दिखा सकते, लेकिन शिष्य का ज्यादा उन्होंने सुनना चाहिए। अब भीमसेन जी, मैंने टीका नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे विचार होने चाहिए अलग अलग। प्रेत ऐसे जो तो रेते देते ये गाना हो सकता है नहीं, मैं यानी बता नहीं सकता, लेकिन ऐसे ही गाने लगे वो। और उनका जो सुर का मामला था शर्द लगाना, मैंने उनके साथ बजाया, फोटो है मेरे पास। पहली दफा जब बजाया तब जो करने के बाद मैंने उनको दाद दी, ये क्या शर्द है बाप रे। तो अपना सुर क्या है, अपना गला कैसे जा सकता है उसके हिसाब से होना चाहिए, या अपना हाथ कैसे गिरता है उसके हिसाब से, और दाया बाया का मिला पाना चाहिए तबले में। देखिए तबले पे नाती नाती ट, हाँ, और बाद में नातिन थुन तत्ती ट ड न, दीज आर दी बेसिक वर्ड्स, वर्ण वर्णाक्षर है। ये कोई नहीं बताएगा, हमारे गुरुजी ने बहुत अभ्यास किया था, बहुत विद्वान थे। तो नातिन थुन तत्ती ट ड न गी गी की की कत, तो तबले पे ये बेसिक है, या नाना थे गिगी थी टिट टिट गिगी थी टिट गिगी थी टिट, बाहे पे सिर्फ ग गी गे कत इतने ही शब्द है। तो बाया बहुत उसको उससे साउंड निकालना ध्वनि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। तबला आप एक एक बार यानी तबला प्लेयर को कुछ तो बजा सकेगा तबला, उसका मिलाप होके जो उसका जो सीरियसनेस है वो बाया का वो आना चाहिए। वो थिरकवा खान साहब ने उनका यानी बहुत ही अच्छा ढाला बाया बजाते थे, जैसे एक बड़े यानी वेल, वेल यानी हिंदी में क्या कहते हैं उसको, पानी का जो वेल रहता है ना, कुआं, तो कुएं में एक बड़ा पत्थर डाले जैसा धा उनका बजता था धा करके। बाद में शामता प्रसाद जी गुदई महाराज, उन्होंने भी इतनी बाहे से मींड लिखाई कि यानी एसडी बर्मन उन्होंने उनको बहुत सारे गानों में ले लिया, आरडी
आड़ी तो उनसे यानी शिक्षा पाई थी तबले में, सीखा भी जैसे था। वो हाँ तेरे नैना धड़क धड़े धड़के धड़के सिंह कितने ना धड़के धड़े धड़के धड़के सिंह, देखो बाहे का काम कितना है, तेरे ना क्या बाप रे, एक बजाना एक अलग ही था उनका, वो साउंड निकालना है ने 10-10 तबलिये चाहिए हमारे जैसे तो आएगा, ऐसी उनकी एक यानी प्रतिभा थी। थिरकवा खास साहब पे यानी उस्ताद अहमद जान थिरकवा, अहमद जान यानी तबले की जान, ऐसे ही हो गया वो, क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। महाराष्ट्र में तबला मालूम नहीं था, स्वतंत्र पूर्व काल में कुछ लोगों को मालूम नहीं था कि तबला क्या रहती है चीज, तो उन्होंने बहुत कष्ट उठाया और बाल बाल गंधर्व जी के साथ उन्होंने बजाया, इसलिए संगत भी क्या है वो भी मालूम पड़ी। तो उन्होंने लैंग्वेज बहुत अच्छी बजाई तबले पे, अहमद जहां थिरकवा, तो निकास तबले में वो बहुत बहुत ही एक पावरफुल और एक कठिनाइयां हैं उसमें निकालने में, लेकिन रिया से हो सकता है। लेकिन वही आते हैं आप जो कह रहे हैं ना कि संस्कार, तो संगीत बहुत सुनना चाहिए। शांता प्रसाद जी को हमने सामने बैठ के सुना, अहमद जहां थिरकवा को हमने रेडियो पे ज्यादा सुना क्योंकि मैं छोटा था तब, बाद में करामतुल्ला खान साहब है, बाद में किशन महाराज जी, अनोखे लाल महाराज जी का, अनोखे लाल मिश्रा जैसा तो तबलीगा होगा ही नहीं, बहुत नाम लिया। और बनारस के हर एक तबलीगे ने संगत भी अच्छी की, तो वो भी एक है। मैं इसी इसी बात पर आ रहा था पंडित जी कि बहुत बड़ा ये एक विषय है, और चूंकि मैं लगातार कलाकारों से बात करता हूं और इसको लेकर एक एक स्वस्थ डिबेट जैसी है कि तबला संगत का वाद्य है या फिर तबला जो है वो सोलो परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब, तबला अपने आप में बहुत ही मुकम्मल एक वाद्य यंत्र है और इसका इसके सोलो ज्यादा होने चाहिए। और बहुत सारे कलाकार हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ये संगत का वाद्य यंत्र है और संगत जब आप इसके साथ करेंगे तो उसका मजा ही अलग है। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरा कहना यह है कि थोड़ा बहुत तबला सोलो तो आपको यानी सीखना चाहिए, क्योंकि कायदा है उसमें, पेशकार है, डेढ़ी दुगुन घत है, रव है, रल रेला है, तो उस यानी उच्च कोटि का तबला सोलो बजाना, क्योंकि तबला इज ए वेरी कॉमन इंस्ट्रूमेंट। देखिए भजन में भी बजाया जाता है, लोक संगीत है, गजल है, फिल्म इंडस्ट्री होगी, कौन सी भी होगी, लेकिन क्लासिकल भी है, लेकिन तबला सोलो मुझे लगता है कि बहुत स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, यानी जैसे वो ब्रेन के स्पेशलाइज है ऑपरेशन करने वाले, या हार्ट के स्पेशलाइज वैसा है। तो हर एक तबला सोलो क्या है कि आप फिक्स करके भी बजा सकते हैं, क्योंकि है ना, अगर आपने सीखा तो वही आपने अगर बजाया तो वो फिक्स फिक्स करके हो गया, उसमें उपज अंग से बजाना, राव रेला और लय का मामला जो है लयकारी वो करना, उसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। और लयकारी एक बात ऐसी है कि सीखने से ही आएगी आपको, और कष्ट कष्ट उठाने के बाद ही आएगी, तो ही अब देखो भजन में इतनी सीधी सी बात है लेकिन यानी बताई नहीं जाती। हमारे जो गुरुजी है या उनके भांजे थे रवि बेल्लारे, पंडित रवि बेल्लारे, पंडित शशि बेल्लारे, उनके भांजे शशि बेल्लारे खा, उन्होंने तो उस्ताद अली अकबर खां के साथ बजाए रिकॉर्ड में भी, और बहुत उनके घनिष्ठ यानी संबंध थे। ये सब मैं यानी 54-60 की बात कर रहा हूँ। रवि बेल्लारी, पंडित रविशंकर, अन्नपूर्णा देवी, उनसे भी उन्होंने यानी बजाया उनके साथ। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो आनंद, ये क्षेत्र विठल तीर्थ विठल, क्षेत्र विठल तीर्थ विठल, देव विठल देव पूजा विठल। ये जो भजन है इसमें हम क्या करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ, तो चार गिनते हैं
लेकिन तालियां तीन है, एक दो तीन चार, एक दो तीन। तो तीन जो है वो है गुरु, जो लघु और गुरु का हिसाब है। देखो कितना उन्होंने सिंपल बात में बता दिया। तो वो गुरु है, और दो लघु और एक गुरु मिलके ताल होता है। तो एक एक दो तीन चार, तीन पे आप ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, वो भाव है। दिन ना दिन ना दिन ना तिन तिन ना का दिन ना दिन दिन ना। तो बजा रहे हैं तीन ताली लेकिन मात्रा गिन रहे चार। तो आप गुरु चेंज भी कर सकते, एक दो तीन चार, एक दो दो पे आ गया गुरु, दिन दा दिन दिन दा दिन दा दिन दिन दा। वैसे दादरा जो है वो एक दो तीन, एक जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान स्मरणे मात्रे मान कामना पूर्ति, जय देव जय देव। एक दो तीन, एक दो तीन, तीन मात्रा गिन रहा हूं मैं, लेकिन तालियां दो ही है एक दो तीन, एक दो तीन, या एक दो तीन, एक दो तीन, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो विचार है ना, उसके भाव रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। धा तान धा किया तो वो ता पे जो ज्यादा एम्फेसाइज है भाव, उसको तबले में निकालना या पखावज में निकालना, ये सब संस्कार होने चाहिए। अच्छा, तो ये गुरुजी के जो है ना फोनेटिकली वो कहते थे, उससे हो गए ये संस्कार हमारे, और बाद में ये सब मालूम होने लगा। मैं सच कह रहा हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं छोटा था तब ये एक धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा, ये क्यों क्यों करना चाहिए ऐसे लगता था मुझे। जैसे उम्र बढ़ने लगी तब मालूम पड़ा कि दिस इज द सेकंड साइड ऑफ द कॉइन। देखो ऐसे बहुत तबलिये हैं, मैं नाम नहीं लेता, उनको कुछ अगर टेक्निकल बात पूछी तांत्रिक तो बताना मुश्किल हो जाता है उनको, या म्यूजिशियंस भी। तो एक अलग विचार, अलग ये होना चाहिए, उससे ही संगीत बढ़ता है। जी आपने देश के तमाम, हाँ, आपने पूछा था कि एक मिनट, तो ये सोलो की स्पेशलिटी हो गई। जी जी हाँ, तो थोड़ा बहुत तो यानी तबले की मालूमात होनी चाहिए। और मेरा भी कहना वही है कि वो 80% या 90% वो यानी संगत का ही मान दे, और स्पेशलाइज है वो 100% सोलो अलग है। अब जो अहमद जहाँ यानी उस्ताद अहमद जहाँ खान साहब उन्होंने बजाया, शामता प्रसाद जी ने बजाया बाद में, वो एक अलग ही बात है। लेकिन आनिंदो चटर्जी है, स्वपन चौधरी है अभी, या जाकिर भाई, अरे बहुत उन्होंने अलग अलग ये यानी विचार करके। और देखो जाकिर भाई संगत का क्यों है, क्योंकि उनको लयकारी का, क्योंकि अब्बा जी ने लयकारी का बहुत अभ्यास किया, उस्ताद अल्लाह रखा। हमको मालूम नहीं था कि ऐसे कुछ हो सकता है। 1970 में मैंने जब सुना सोलो उनका, यानी ऑल इंडिया रेडियो पे रिकॉर्ड, ये आड़ है लय, सीधी नहीं है लय, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। यहाँ पे भी ऐसे मैं चार गिन रहा हूं लेकिन तीन ताली है, एक दो तीन चार। तो धागिन कत्तगिन, तो ये एक अलग ही मामला शुरू हो गया पंडित चतुरलाल बाद में अल्लाह रखा। और थोड़ा सा कर्नाटक म्यूजिक का भी उस पे उनके यहाँ संस्कार हुए। रामनाड ईश्वरन बोल के थे दिल्ली में ही ऑल इंडिया रेडियो पे, उनके यहाँ रविशंकर अल्लाह रखा, उन्होंने बाकायदा उनसे बहुत अच्छे बोल अच्छी यानी लयकारी सीखी है। बाद में हमारे जो सुरेश पंडित सुरेश चळवलकर महाराष्ट्र के, उन्होंने भी उनसे बहुत सीखा है, मैंने देखा उनको एक बार। तो कर्नाटक संगीत जो है वो ज्यादा लघु साइड पे, शॉर्ट तक दिन तक दे में धा धा ना बोले तो वो ज्यादा गुरु के साइड, यानी बड़ी मात्रा। कर्नाटक म्यूजिक छोटी मात्रा है, उसका भी विचार होने लगा।
नॉर्थ इंडियन म्यूजिशियंस ने बहुत अडॉप्ट, जो उत्तर भारतीय म्यूजिशियंस है उन्होंने बहुत कुछ कर्नाटक भी ले लिया। उसे लयकारी मालूम होने के बाद नव उस्ताद जाकिर हुसैन ही कैन प्ले विथ एनी बडी, वो यानी कर्नाटक संगीत हो, अफ्रीकन हो या जैज हो, ड्यू टू दैट, क्योंकि लयकारी इतनी पक्की है ना, तो ये एक बात है उसमें। तो संगत करना है ना तो फिर गजल, ठुमरी, क्लासिकल, फिल्म म्यूजिक हो या कुछ भी हो। तो अगर आपकी लयकारी, क्योंकि कोई कोई तबलियों को सिक्के पड़ गए, बहुत सारे तबलियों को, वैसे गुदई महाराज जी का हुआ नहीं, उन्होंने यानी फिल्म में भी बजाया, क्लासिकल में भी बजाया। जाकिर भाई भी क्लासिकल भी बजाते हैं, फिल्म हो या कोई भी हो म्यूजिक, सबके साथ बजाते हैं। लेकिन नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे तबली है चार पांच, उनका उनका क्लासिकल में या बाहर नाम नहीं हुआ, क्योंकि वो ज्यादा फिल्म म्यूजिक बजाते तो आदत सी हो जाती है ना, और फिर लयकारी अभ्यास करना, ये करना, वो बहुत ही अलग है, और उसके लिए संस्कार, आप जो कह रहे हो वो आप चलिए जहां तो से बातचीत जी जहां से बातचीत शुरू हुई थी, जिन संस्कारों से, वहीं पर हम खत्म करते हैं। और आपने काफी विस्तार से समझाया कि तबला संगत का वाद्य यंत्र है या फिर वो सोलो ज्यादा होना चाहिए, इस दोनों में फर्क क्या है और दोनों के लिए जरूरतें क्या हैं, दोनों की तालीम अलग अलग कैसी है। पंडित जी आपने समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी मेरे से कुछ गलती हुई हो। अरे कैसी बात कर रहे हैं, ये हम लोग का सौभाग्य है कि आपसे बात कर रहे हैं और विस्तार से बातचीत हुई। हमसे कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। और मुझे अच्छा लगा कि ये आप यानी शिवेंद्र कुमार सिंह आप इसको YouTube पे डालने वाले हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे तो और बहुत कुछ हो सकेगा, और एक इंटरव्यू लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तबला लेके बैठेंगे जी, जरूर जरूर जरूर।